जस्ट गाइस अभी लाइट वाला व्लॉग रैप अप किया एंड मैंने सोचा कि चलो यार क्लब हाउस वाला सब कुछ हटा ही हुआ है तो एक बार एसी फिल्टर की कंडीशन भी चेक कर लेता हूँ. तो जैसे कि मैंने उसको खोला तो मैंने कुछ इस तरह से चीज़ देखी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ. कार के अंदर गाइस एसी फिल्टर ही नहीं है. मैं क्या यार, एक दिन में दो दो शॉक देने ज़रूरी थे. तो अभी मैं ऊपर आया हूँ, अभी मैंने सर्विस पार्ट्स ऑर्डर नहीं किए. सो मैं वो भी अभी इस पर्टिकुलर सिनेरियो के बाद कर दूंगा. सो अभी थोड़े ही टाइम पहले मैंने ना अपनी पुंटो का एसी फिल्टर चेंज किया था. सो जो उसका ओरिजिनल फिल्टर है, मतलब नॉट द ओरिजिनल बट जो उसमें पहले लगा हुआ था, वो वाला फिल्टर मैंने रख लिया था क्योंकि मैंने ये सुना था कि एसी फिल्टर्स क्लीन हो जाते हैं. मैं क्या यार, चलो अब देखो इसीलिए सामान को रख लेना चाहिए. सो अभी ये कंडीशन है मेरे पास जो एसी फिल्टर है यहाँ पर. एंड मज़े की बात यह है कि पुंटो डीजल हो और लिनिया टीजेट, इनमें एसी फिल्टर्स कॉमन हैं. सो ये अभी बिल्कुल ही ब्लैक कंडीशन में है. अभी मैं आपको लाइट में दिखाऊंगा यहाँ पर. चेक दिस आउट, क्या मस्त डार्क है ना. सो इसको क्लीन करने का ट्राई करते हैं, जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल है क्लीन हो जाएगा क्लीन कर लेंगे. एंड उसके बाद मैं इसे कल सुबह सुखाने के बाद डाल दूंगा वापस से लिनिया के अंदर. एंड होपफुली प्रॉब्लम थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाए. सो इन द वॉशरूम नाउ. सो पानी भरूंगा मैं एक बकेट के अंदर एंड इसको डिप करूंगा बाहर निकालूंगा, डिप करूंगा बाहर निकालूंगा. ऐसा मैं 15-20 बारी करते हैं. लेट्स सी कि कितनी मिट्टी इसमें से निकलती है. मिट्टी तो देखो इसमें बहुत सारी है. तो अभी इसको यहाँ रखते हैं. एंड कहाँ जा रहा भाई, अभी मत जा, यहाँ पे रख रहा हूँ इसको. ये है अपनी बकेट, इसमें भरते हैं पानी. तो थोड़ी देर इस पानी को भरने देते हैं, थोड़ा शोर हो गया है. Here we go again. देखते हैं इस बारी क्या डिफरेंस क्रिएट होता है. एंड पानी एकदम आप देख रहे हो क्रिस्टल क्लियर है. तो here we go. वॉश हो सकता था मैंने कर दिया है, खाली वाटर से ही किया है. एंड अब इसको मैं बाहर रख दूंगा ड्राई होने के लिए. एंड सुबह तक देखते हैं इसका शायद कलर में कुछ चेंजेस आ जाए क्योंकि पानी से भी डार्क हो जाता है. सो होपफुली ये मेरा काम कर जाए फॉर द टाइम बिंग, जब तक नया फिल्टर नहीं आया था. अभी मैं बैठ के आराम से सारे के सारे इसके सर्विस पार्ट्स ऑर्डर कर देता हूँ, एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, ऑयल फिल्टर एंड एसी फिल्टर एंड साथ में एक बड़ा अच्छा सा ऑयल. सो रख देते हैं इसे बाहर. ग
गुड मॉर्निंग पीपल. सो द फिल्टर इज फुली ड्राइड अप एंड कंडीशन आप नोटिस कर रहे हो इसकी काफी सुधर गई है, राइट. बट ये अभी भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मेरा टेम्प्रेरी सोल्यूशन है. मैंने नया पीस ऑर्डर कर दिया, इंक्लूडिंग मैंने सारे के सारे सब पार्ट्स इसके बूट में से ऑर्डर कर दिए हैं. एयर फिल्टर हो गया, एसी फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, फ्यूल फिल्टर हो गया. अब बारी है गाइस ऑयल की. ऑयल मैं ढूंढ रहा हूँ कहीं से सही मिल जाए, सही प्राइस का मिल जाए. कोशिश मेरी यही है कि मैं मोतुल वाला ही ऑयल लूँ जो अपनी प्यारी से पुंडों में डालता हूँ. एक एक्सटेक प्लस आया है क्योंकि एक्सेस 8100 एक्सेस का एक्चुअली प्राइस स्काई रॉकेट कर चुका है. पता नहीं क्या सीन हो रहा है, वो कुछ बाहर से बन के आता था ऐसा कुछ है. तो एक्सटेक प्लस बेसिकली सेम चीज है एंड उसके अंदर क्या हो रहा है कि पैकिंग यहीं पर हो रही है, तो दैट इज उसका प्राइस ठीक है. सो उसकी 4 लीटर पैकिंग मिल जाएगी तो वो लेके बस इसके सर्विस उस दिन करवा दूंगा जिस दिन आ जाएगा मेरे पास सामान सारा का सारा. सो फटाफट से इसको फिटिंग करते हैं यहाँ पर एंड फिर फ्यूचर में लाइटिंग का कुछ करेंगे. बहुत जल्दी करूँगा, टेंशन ना लेना. ये वाली तो अब नहीं चल रही है, तो इसको निकालूँ. अब इसको निकालने के लिए ना ये पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा, मतलब ये निकलेगा, ये निकालने में बहुत बड़ी बसूड़ी है. देन फिर ये वाली ट्रिम निकलेगी, उसके बाद आई कैन एक्सेस दैट. घोर संकट है, बट ट्राई करते हैं, लेट्स सी क्या होता है. सो पहले इसकी फिटिंग स्टार्ट करते हैं. के साथ साथ गाइस ग्लव बॉक्स भी लग गया है, जितने स्क्रूज थे इसमें सारे के सारे मैंने फिट कर दिए हैं एंड इट इज लुकिंग लाइक दिस नाउ. एंड अभी ये ट्रे लगानी बाकी है, इसके अंदर एक ट्रे का सिस्टम भी है. अच्छा जुगाड़ है, लेकिन सेवा बताऊं उतना स्टोरेज नहीं आने वाला इसके अंदर, उतना स्टोरेज नहीं है. तो ये कुछ ऐसे लगेगी यहाँ पर. लेट मी फिट इट. Finally, the AC filter is in temporary setup. अब जब नया आ जाएगा तो मैं नया भी लगा दूंगा, बट अभी के लिए ये टेंशन खत्म हो चुकी है. एक बार ब्लोअर ऑन करके देख ही लेते हैं एयर प्रेशर कैसा आ रहा है. Pretty decent. अभी ऑफ कर देते हैं क्योंकि अभी इंजन नहीं चालू कर रहा. इसकी तो मुझे डर ही लगा रहा था कि इंजन में चलाऊँ तो पेट्रोल ऐसे कोल्ड ड्रिंक की तरह पी जाएगी सारा का सारा. बट नॉनदलेस द कार इज ऑसम एंड अभी आगे बहुत सारी चीजें इस पर्टिकुलर कार के साथ आनी है. सो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल यू गाइस एंड ट्रैवल पुंटो के साथ भी है, नैनो के साथ भी है, इसके साथ फ्यूचर में आ रहा है एंड बाइक्स के साथ भी काफी सारे राइड्स हैं. तो सब चेकआउट करना कोशिश करूंगा, मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं, बट कुछ कह नहीं सकता. बट स्टिल चैनल का पेज ओपन करोगे वहीं पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा, मैंने इस हिसाब से अरेंज कर रखा है. सो एंजॉय करना एंड कुछ भी अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना एंड उन्हें भी कहना है सब्सक्राइब करने को. राइट, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे. थैंक यू सो मच, बाय.